तालाब में डूबने से दो मासूम भाई बहन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बहन को तालाब में डूबता देख भाई ने बहन को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन फिर भी बहन को नहीं बचा सका। भाई की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर लड़के का दुर्भाग्य ही था कि जिस एम्बुलेंस में उसे ले जाया जा रहा था उसमें ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा थी ना ही डॉक्टर था, और शायद इसी वजह से उसकी मौत हो गई। छतरपुर के खेराकसार में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसमें दो भाई बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 11 साल का अमन और 9 साल की आयुषी तालाब में नहाने गए थे, लेकिन जब आयुषी तालाब में नहाते समय डूबने लगी तो बहन को बचाने अमन तालाब में कूद गया, लेकिन बहन को बचा नहीं सका। पास ही मौजूद ग्रामीणों ने जब दोनों को डूबते देखा तो उन्होंने दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ आयुष को बचा सके। और जब उसे इलाज के लिए गौरीहार स्वास्थ्य केंद्र ले गए तो अस्पताल से डॉक्टर नदारद मिले। आयुष को एम्बुलेंस से लवकुश नगर लाया जा रहा था, तभी उसने उसमें दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। इस घटना ने एमपी के स्वास्थ्य विभाग की बड़े बड़े दावों और वादों की पोल खोल कर रख दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जाँच भी शुरू कर दी है। ये दो भाई बहन है, भाई का नाम है अमन सिंह, पिता बीरन सिंह, उम्र 12 साल, और जो बच्ची है वो आयुषी सिंह, पिताजी का नाम बीरन सिंह, उम्र 10 साल। ये दोनों भाई बहन, एक और इनका छोटी बहन, वहीं खेरा का सार में एक तालाब है, उन तालाब पे नहाने गए होंगे। ये नहाते समय डूब गए वहाँ तालाब में, तो इनके माता पिता इलाज के लिए यहाँ लेके आए थे लखपत नगर में, या डॉक्टर साहब ने इनको घोषित कर दिया गया है। ये मर्ग कायम करके इनका पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।